जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनंत गोयनका जी, एडिटर इन चीफ श्री राजकमल झा जी, एडिटर श्री राजन शंकर जी, डिस्क्रिप्टिव एडिटर श्री पी वैद्यनाथन नायर जी, डिस्क्रिप्टिव एडिटर जनसत्ता श्री मुकेश भारद्वाज जी, सुश्री वंदिता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्रीवनी सवस्थी जी, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कही जाने वाले भारत की दृष्टि से 48 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र के गले को घोटने का प्रयास हुआ था, उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब कुछ दांव पे लगा करके न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस महापुरुष ने मीडिया जगत से सर्वाधिक योगदान दिया था वो नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। और आज मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली नोएडा में स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर इस मार्ग का शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को और उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका यह मीडिया जगत का एक चमकता हुआ ध्रुव तारा है। जब भी मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मीडिया में उनकी पहुंच 1936 से होती है, जब इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना सरदार बाबूजी की बापू की प्रेरणा से उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, बिहार के
सुदूर गांव में जन्म लेकर के और देश की आजादी की उस लड़ाई में प्रखर रूप से एक मुखर योद्धा के रूप में कार्य करना, और कार्य करने के साथ साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना करके मीडिया के माध्यम से आम जन के स्वर को एक नई ऊंचाई देने का कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। इसके साथ ही न केवल उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि भारत के लोकतंत्र की दिशा से चुनाव लड़कर के भी देश के संसद में जाकर के इस आवाज को और मुखरता प्रदान की। मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए जो आवाज मुखर हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश की इस भूमिका की दृष्टि से 25 जून 1975 का दिन लोकतांत्रिक भारत के लिए कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौरान भारत ने उन लोगों के संघर्षों को, उनके त्याग को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाकर के लड़ने का एक जज्बा उस दौरान देखने को मिला था। मेरे लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के द्वारा किए गए योगदान तो हम सबके लिए प्रेरणादायी है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गोयनका परिवार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान किया, मीडिया को एक स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण मीडिया की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए वह मानक उन्होंने अपनी स्थापना काल से पूरी मजबूती के साथ गढ़ने के कार्य किए। साथ साथ जिस राष्ट्रवादी मिशन के साथ हम सब जुड़े हैं, स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का भी उस मिशन के साथ जुड़ाव रहा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ साथ ये भी अभी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस स्वर्गीय जयदयाल गोयनका जी ने 1923 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोरखपुर में स्थापित की थी, और गीता के प्रकाशन को मासिक पत्रिका कल्याण के माध्यम से, विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, भारत की जो विरासत से जुड़ी हुई वैदिक साहित्य है, गीता है, रामायण है, और अन्य साहित्य को बेहतरीन संपादकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और कल्याण के माध्यम से परिवारों को जोड़ने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आदि संपादक के रूप में जो जाते हैं सदैव भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो इनका परिवार से सदैव भाई जी का जो संबंध है वह बहुत जगजाहिर है। और इस दृश्य मेरे लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक भी है, लोकतंत्र को बचाने की दृश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं इसको एक महज संजोग नहीं मानता हूं, ये कोई ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी कि 25 जून की तिथि को ही इस मार्ग का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होना है। यह इतने वर्षों के बाद, आप अनुमान करिए कि 48 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज हम सबको देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पूरी प्रतिबद्धता के साथ
आज यहां पर इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि मीडिया की लोकतंत्र के चतुर्थ पहिए के रूप में जो उसकी भूमिका है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका के साथ हम सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के प्रशासन को, अथॉरिटी को और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे महानुभाव हैं उन सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।